हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। होप आप लोग बढ़िया ही होंगे बिकॉज भाई यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड कल ही अर्थक्वेक आया था, उससे पहले पोल्यूशन का तो बहुत बुरा हाल चल ही रहा है पिछले 2-3 दिनों से। सो इट्स लाइक पोल्यूशन है भाई, घर भागो, अर्थक्वेक आया भाई, बाहर भागो। सो आई होप आप लोग भी मतलब ठीक ठाक ही होंगे। अगर you are all fine and good and everything is fine in your life, so please comment down so that I know कि आप लोग बढ़िया हो। So by the time this video will be live, AOT season 4 का final will be out and हमने season 1 and season 2 already channel पर explain किया हुआ है। So I thought एक बार season 4 शुरू करने से पहले आप लोगों को season 3 का भी overview दे दूँ। सो अगर आपको पूरे AOT की कहानी इन शॉर्ट जाननी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और मेरी शॉर्ट समरी वाली वीडियोस को देखो। बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सो दैट आप फाइनल सीजन देखने के लिए प्रिपेयर्ड रहो। सो इसके साथ बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। सो सीन स्टार्ट होता है एंड वी सी लीवाई स्क्वाड एरेन के हार्डनिंग एबिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगी होती है कॉज दे थिंक उसकी हेल्प से ये लोग वॉल मरिया के होल को सील करवाएंगे। इनको ये भी पता चलता है कि पैस्टरनिक का मर्डर मिलिट्री पुलिस ने सीक्रेटली करवाया था एंड हांजी इनको बताती है कि गवर्नमेंट इन लोगों के खिलाफ साजिश रच रही है, इसलिए स्काउट रेजिमेंट ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल जाते हैं हाइड आउट करने के लिए। बट रास्ते में एरेन और हिस्टोरिया का किडनैप हो जाता है, पर असल में ये लोग एरेन और हिस्टोरिया के रूप में जॉन और आर्मिन होते हैं जिनको बाद में मिकासा बचा लेती है। बट हियर कम्स द बिगेस्ट ट्विस्ट, ये सब तो केनी नाम का एक असैसिन के द्वारा रचाया गया साजिश होता है। लेवाई केनी और उसके पावर को पहले से ही जानता था सो वो केनी से लड़ने के लगता है, बट केनी के आदमी असली एरेन और हिस्टोरिया को कैप्चर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट लीडर्स को किडनैपिंग की इन्फो दे दी जाती है और स्काउट डिमन रीव्स को कैप्चर कर लेता है, जहां वो रिवील करता है कि उसको भी मिलिट्री पुलिस वालों ने ही ब्लैकमेल किया था एंड अब वो स्काउट के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाता है। कुछ रफ इंटेरोगेशन और ट्रिकरी के बाद पैस्टरनिक के मर्डरर के द्वारा ये रिवील किया जाता है कि रीस फैमिली जो है वो है असली रॉयल फैमिली, जिसका मतलब ये था कि हिस्टोरिया जो थी वो थी असली हेयर टू द थ्रोन, यानी कि अगली बनने वाली रानी जो थी वो थी हिस्टोरिया। यहाँ पे अपने फादर से मिलती है और उसके बाद हिस्टोरिया की थोड़ी सी हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है। इसके साथ ही दूसरे सीन में ये चल रहा होता है कि हांजी एक्सप्लेन करती है कि कैसे अगर एक टाइटन ईट्स अ ह्यूमन हु कैन ट्रांसफॉर्म तो फिर दे रिवर्ट टू अ ह्यूमन एंड रिटेन्स द पावर ऑफ द वन दे ईटेड। इसका मतलब अगर कोई टाइटन किसी ह्यूमन को खाता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो फिर जो टाइटन है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बदले में जिस टाइटन को इसने खाया था ह्यूमन फॉर्म में उसकी जो भी पावर्स होंगी वो उस पावर्स को सारा एक्वायर कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ एरविन पॉइस से बात करता है सो दैट वो गवर्नमेंट का ही तख्ता पलट कर दें सो दैट वो हिस्टोरिया को अब रानी बनाएंगे एंड जो ये करप्ट लोग हैं गवर्नमेंट में इन लोगों को वो डिरेल कर देना चाहता था। इसी के साथ ही जो चीज़ें और चल रही थी, अब द थिंग इज़ इस पॉइंट पर आकर के बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही थी पूरे AOT में। मतलब यहाँ पे एक सीन चल रहा है, कहीं और कुछ और सीन चल रहा है, तो दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। तो ध्यान से सुनना, जिस वक्त इन लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें चल रही थी एरविन पॉयस के साथ में बात कर रहा था तख्ता पलट करने की, उसी टाइम पर ही जो स्काउट मेंबर्स थे उनको रीव्स के मर्डर के लिए फंसा दिया जाता है और बहुत सारे स्काउट मेंबर्स को कस्टडी में ले लिया जाता है। मीनवाइल मार्लो और हिच को जो है कैप्चर कर लिया जाता है स्काउट मेंबर्स के द्वारा एंड वहाँ पर एक और बंदा था फ्लेगल रीव्स। तो फ्लेगल रीव्स जो था उसने अपने पाप का सारा मर्डर देखा था और इसलिए उसको अब मिलिट्री पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है ताकि मतलब आई विटनेस को वो मार दें। इसके बाद रीज और हांजी साथ में मिलकर चलते हैं। वहीं जॉन मार्लो और हिच से भरोसे का टेस्ट करवाता है क्योंकि उसको इन लोगों पर भरोसा नहीं था, जिसे इन दोनों ने पास किया और वो स्काउट को एक मिलिट्री चेकपॉइंट ले जाते हैं जो बाद में हांजी के द्वारा रखा गया जाल में गिर जाता है। फ्लेगल रीव्स मिलिट्री पुलिस को धोखा देने में कामयाब होते हैं पर अपने पिताजी के मौत से जुड़ी हुई साजिश का खुलासा करवाता हुआ है और जिससे जो लोग थे, आम लोग थे, वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो इन्हें पीटने लगते हैं। एंड इसी बीच में ये लोग जो हैं वो बच के निकल जाते हैं। फिर ये लोग एरविन को राजा के सामने ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि जजेस एरविन को फांसी का हुक्म सुना पाते, एक सैनिक खबर लेकर आता है कि एक आर्मर टाइटन ने वॉल रोज को पार कर लिया है और अब वो वॉल सीना की तरफ भाग रहा है। सो ये जो गवर्नमेंट के आदमी थे, ये लोग दरवाज़ा बंद कर देने का हुक्म दे देते हैं जिससे कि रिफ्यूजी लोगों को रोका जा सके। बट यहाँ पर जो है इन लोगों पर ही भारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का जो असली रूप था ना, वो सब लोगों के सामने आ गया था, क्योंकि वॉल के उस पार में बहुत सारे लोग थे। एटलीस्ट 60 to 70% लोग जो जिंदा थे वो वहाँ पे रह जाएंगे। एंड अगर ये लोग दरवाज़ा बंद करने के लिए बोल रहे हैं, दैट मीन्स भाई वो सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, इंसानियत का क्या होगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये पिक्सेस का एक बनाया हुआ जाल था टेस्ट करने के लिए इन गवर्नमेंट वाले लोगों को, एंड जिसमें कि ये गवर्नमेंट वाले लोग बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। एंड यहाँ पर हमें असली पता चलता है कि एरविन का प्लान क्या था। इसी एक सिचुएशन को ले करके एरविन अब तख्ता पलट कर देता है। नाउ द थिंग इज़ कि भाई तख्ता पलट तो हो गया था, लेकिन यू रिमेंबर हिस्टोरिया और एरन दोनों को किडनैप कर लिया गया था। यस, जब एरन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब सी गुफा में पाता है। जो हिस्टोरिया और रोड रीज एरन की पीठ पर हाथ रखते हैं, जिससे जो दबे हुए यादें थी वो उभर के आती हैं, जिनमें उसने अपने पिताजी को खाया हुआ होता है। इस हिस्टोरिया के लिए भी उनके बहन फ्रीडा रीस की यादें आ जाती हैं। तब रोड ये बताता है कि एरन के पिताजी ने फ्रीडा की टाइटन शक्ति छीनी थी एंड रोड को ये परिवार को मारा, और वो अब वही चाहता है कि हिस्टोरिया एरन के साथ करे। हिस्टोरिया एरन को खा ले ताकि जो एरन की शक्तियाँ थी टाइटन्स को कंट्रोल करने वाली, वो सिर्फ उनके परिवार में ही रहे और उनके परिवार वाले ही उसका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि केनी जो है वो असल में मिकासा का अंकल है, एंड उनकी फैमिली जो है वो रीस के मेमोरी पावर से इम्यून रही है, यानी कि इनको रीज़ वाले मेमोरी पावर्स से कोई फीलिंग नहीं पड़ता है। इनको पता है एग्जैक्टली कब क्या कहाँ हुआ है, इनकी सारी यादें इंटैक्ट है। अब स्काउट जो है वो गुफा की ओर टूट पड़ते हैं जहाँ उन्हें एम्बश का इंतज़ार था। आने वाले संघर्ष में रीस के लोग मारे जाते हैं, लेकिन हांजी को हल्की सी चोट लगती है। तब रॉड रीस बताता है कि फ्रीडा ने फाउंडिंग टाइटन्स की शक्ति इनहेरिट की थी, जिससे वो टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते थे और लोगों की यादों को बदल सकते थे, जो उनके परिवार में पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ती आ रही थी। और वो एक इंजेक्शन निकालता है जो एरन पहचान लेता है, क्योंकि ये वो इंजेक्शन था जो उसके फादर के पास भी था, और उसके फादर ने एंड में मरते मरते ये ही इंजेक्शन इसको इंजेक्ट किया था। अब इस पॉइंट पर केनी जो है वो रोड रीज पर अटैक कर देता है, जिससे एरन को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उससे अपने पिताजी के किए पर जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। उसे लगता है कि अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो उसके पिताजी के जो मतलब नेगेटिव वर्क था उसका वो एक हिस्सा बन जाएगा। वैसे इस पॉइंट पर हिस्टोरिया भी अपने फादर की बातों से मतलब मेलजोल नहीं रखती थी। उसे लगता था कि उसके जो फादर कह रहे हैं वो ठीक नहीं था। वो एरन को नहीं खाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो सिरम को ज़मीन पर गिरा देती है और एरन को खोल देती है। साथ ही वो अपने फादर को ये भी बोलती है कि टाइटन से वो अभी तक इंसानों को इसलिए मुक्त नहीं कर पाए क्योंकि उनमें मनोबल की कमी थी, वो करना ही नहीं चाह रहे थे। वो इंसानों के ही ब्रेन के साथ में तो खेल ले रहे थे, लेकिन टाइटन से कभी इंसानों को जितवा नहीं पाए बिकॉज उनके अंदर मनोबल की कमी थी। तब नीचे पड़े हुए सीरम को देख करके रोड रीज भागते हुए आता है और फिर वो नीचे पड़े हुए सारे सीरम को चाटने लग जाता है, जिसके बाद वो खुद एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब रोड रीज टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो एक बहुत बड़ा सा टाइटन बन जाता है, इतना बड़ा कि गुफा जो है वो गिरने लगती है। एरन एक आर्मर लेबल वाली बॉटल से पानी पीता है, जिसके बाद वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपनी शक्तियों को यूज़ करके वो रोड रीज मतलब हिस्टोरिया एंड बाकी लोगों को बचा लेता है। रीज का टाइटन जो है वो कोलोसल का आकार ले लेता है और उससे भी बड़ा टाइटन बन जाता है। अब भाई जो रीव्स का टाइटन था वो धीरे धीरे वॉल की तरफ आ रहा था। अच्छी बात ये थी कि ये टाइटन भाग नहीं सकता था, ये रेंगता हुआ आ रहा था, क्योंकि जितनी बड़ी साइज़ का ये टाइटन था ना, अगर ये भागता हुआ आता, माय गॉड, ये इंसानियत ख़त्म ही हो जाती वहीं पर। खैर, तो यहाँ पर एरविन का जो प्लान था वो ये था कि इन पर बहुत सारा एक्सप्लोजिव वर्क करे, एंड काइंड ऑफ इट वर्कड। इन्होंने बहुत सारा एक्सप्लोजिव उस पर डाला एंड रीव्स टाइटन गेट इन टू स्मिदरीन्स। इसके बाद हम देखते हैं केनी एक्करमैन को, जो अपने पास्ट को ही याद कर रहा होता है जब उसके पास लीवाई आता है। लीवाई फाइंड हिम डाइंग एंड केनी यहाँ पे रिवील करता है कि वो लीवाई का अंकल है। इसके बाद वो लीवाई को कुछ टाइटन सीरम देता है एंड मर जाता है। मीनवाइल हिस्टोरिया जो है उसको रानी बना दिया जाता है। अब फाइनली एरन को याद आता है कि वो जो अपने सपने में देखता था वो आदमी कौन था। एरन रियलाइज़ करता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कीथ ही था, कैडेट कोर का मेन हेड लीडर, जो कि इनको ट्रेनिंग भी दिया था। एंड यहाँ पर एरन को जब ये चीज़ें याद आ जाती हैं तो एरन एंड बाकी के जो स्काउट मेम्बर्स थे वो कीथ के पास जाते हैं। कीथ रिवील करता है कि यस, जिस रात को एरन के फादर उसको ले गए थे एंड उसको इंजेक्ट किया था सीरम के साथ में, उस रात को एरन के फादर के साथ में कीथ मिला था। नाउ एक और चीज़ रिवील होती है दैट कीथ वाज द लवर ऑफ हिज मदर बेसिकली। ऑल्दो कीथ से उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हैं, बट नेक्स्ट डे एरन येगर एंड बाकी की जो स्काउट टीम थी दे गेट रेडी कि भाई वो अब टाइटन को हरा के वॉल मरिया को वापस से कैप्चर कर लेंगे। एंड इसी के साथ ही सीजन 3 का पार्ट 1 यहीं पे होता है एंड। तो अब हम मिलेंगे सीजन 3 के पार्ट 2 वाली वीडियो के साथ, जो कि विदिन 1 और 2 days ही आ जाएगी। तो भाई वेट किसका कर रहे हो? जस्ट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड कमेंट। तो अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।